अनबॉक्सिंग करने वाले डीलिंग का DIR650 आयरन राउटर को, वायरलेस N300 राउटर है। यहाँ पे आपको 300 Mbps की स्पीड मिलती है, कुछ इस प्रकार प्रीमियम लुक देता है, आप देख सकते हो। तो इसको मैं टर्न करता हूँ, यहाँ पे तो दिखने में कुछ इस प्रकार है। पहला एकदम प्रीमियम लुक देता है। तो यहाँ पे पीछे हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपको स्पीड आपको 300 Mbps की मिलती है, और यहाँ पे फास्ट एदरिंग सपोर्ट्स है, हाई गेन एंटीनाज है, मल्टीपल ऑपरेटिंग मॉडल्स है। तो ये प्रोडक्ट घर में यानी होम में यूज़ करोगे तो अच्छा है, क्योंकि और वो 4 एंटीनाज आपके घर को सराउंडिंग करते, मतलब अगर आप इसके अंदर आ गए हो तो वो एंटीनाज के मोबाइल को कनेक्ट करते, आप वाईफाई से इजीली कनेक्ट हो सकते हो अगर आप इन 4 एंटीनाज के अंदर के सराउंडिंग में हो। तो आप ये आपको सिंबल भी दिख रहा होगा। तो चलो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मैं ये यहाँ पे निकाल के रखा है रैपर थोड़ा, तो इसको निकालता हूँ मैं। सो पूरा वन हैंड से कर रहा हूँ गाइस। सो अभी तो और भी बढ़िया दिख रहा है। तो हमें दिखने से मतलब नहीं है, आप अंदर का देखते हैं क्या चल रहा है। तो सो कुछ इस प्रकार प्रीमियम लुक है। तो यहाँ पे अपना राउटर है, इसको यहाँ पे रखते हैं 1 मिनट गाइस। सो यहाँ पे हमारा राउटर है, इसको निकालते हैं लोग। क्या हो गया यहाँ पे? ओके, ऐसा निकालना है क्या? इसको भी कुछ इस प्रकार निकालते हैं, तो अभी निकालने में आपको आसान हो जाएगा। स्लोली निकालते हैं गाइस, मैं 1 हैंड से निकाल रहा हूँ इसको, राउटर को। सो रिमूव द राउटर। सो हियर इज अवर राउटर। तो ये 4 साइड से यानी 4 एंटीनाज है, आपको हाउस रेंज अच्छी तरह से मिल जाएगी यहाँ पे, ये यूज़ करोगे तो लाइक दिस, इस प्रकार रखना है आपको, इस प्रकार। ओके डन, कुछ इस प्रकार दिखता है गाइस। यहाँ पे आपको पोर्ट्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको पावर का बटन दिख रहा होगा, पावर। तो अगर आप यहाँ पे पावर लगाए हो यानी चार्जिंग चार्जर लगाए हो, चार्जर यहाँ पे मिलता है, इसको यहाँ पे लगाए तो आपको पावर का सिंबल मिल जाएगा। अगर फैन ऑन करोगे तो ये भी ऑन हो जाएगा, फैन को Wi-Fi WPS, यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगा जब ये ऑन हो जाएगा राउटर। और यहाँ पे यूज़र मैनुअल्स भी मिलते हैं आपको, यहाँ पे सब गाइड है, अगर आपको आता है तो आप इसको साइड में रख सकते हो। तो यहाँ पे चार्जर मिलता है, और ये चार्जिंग पोर्ट भी है यहाँ पे पीछे जो अभी मैंने बताया था, तो उसको वहाँ पर लगाना होता है। तो यहाँ पे मिलता है आपको इथरिंग केबल, जो आप कंप्यूटर लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ से इस राउटर को यहाँ पे सेकेंड फर्स्ट नंबर पे कनेक्ट करना है, या थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर या फोर्थ नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। तो इसको भी साइड पे रखते हैं। जेल मिलता है गाइस, क्या है मुझे भी मालूम नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। आपको यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ पोर्ट्स कैसे लगाना है, जो चार्जर पोर्ट सब कुछ। तो यहाँ पे पीछे आपको जो दिख रहे हैं सब मैं आपको बिठा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पहले अपने को मिलता है गाइस चार्जर पोर्ट। तो चार्जर पोर्ट को कैसे लगा करते हैं, कहाँ लगाते हैं ये देखते हैं हम लोग। तो लेट्स रिमूव दिस, तो गया है यहाँ पे। तो चार्जर को निकालते हैं हम लोग यानी मैं खुद यहाँ पे निकाल दिया चार्जर को। तो चार्जर को यहाँ पे साइड में रख देता हूँ, यहाँ पे राउटर को, यहाँ पे इथरनेट केबल है। तो यहाँ पे इथरनेट केबल को मैंने निकाल दिया है गाइस, तो इसको यहाँ पे रख दूँगा। तो इसको भी निकालना है, सॉरी, तो निकाल देते हैं जल्दी। तो भी निकाल दिया है, तो इसको भी साइड में रख देता हूँ। सो लेट्स सी कुछ यह मिलता है अपने को इसमें। सो ये सब कुछ मिलता है यहाँ पे। चार्जर को आपको यहाँ पे रखना है गाइस। सो
इस चार्जर को मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो आप यहीं पर रखना रखना होता है जो ब्रॉडबैंड का केबल होता है, तो यहाँ पे रखना है आपको। यहाँ पे तीन पोर्ट में 1, 2, 3 को इथरनेट केबल रखना है। तो अभी मैं इथरनेट केबल लगा रहा हूँ गाइस, आप देख सकते हो। सो यर इट गोस, तो यहाँ पे मैंने रख दिया इथरनेट केबल को, तो वो मुझे इस प्रकार रखना है। यहाँ पे जो आपको हैंड दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ब्रॉडबैंड का केबल लगाना है, तो आपका वाईफाई राउटर ऑन हो जाएगा। और ये जो चार्जर है, तो इस चार्जर को आपको चार्जर पोर्ट में लगाना है और बटन ऑन कर देना है, तो वाईफाई ब्रॉडबैंड ऑन हो जाएगा। तो मिलते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना, ताकि आने वाले वीडियोस में आप हमारे चैनल में जल्दी से पहुंच सके। सो सी यू एंड